हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 3 फेब 2020 का न्यूज़पेपर। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले। ठीक है, पहली न्यूज़ आपकी ये रही, सेकेंड केस ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन कन्फर्म्ड इन केरला। ठीक है, तो सेकेंड केस भी आपका, ये 3 फेब की अगर न्यूज़ देखें तो सेकेंड केस भी आपका कोरोना वायरस का मिल गया है, कहाँ पर, केरला का। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो, कोरोना वायरस को लेके इस बार बहुत सवाल आ सकते हैं। पहला सवाल, मैं पिछली वीडियो में भी बोल चुका हूँ आप लोगों को कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस। तो अगर स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को हम देखें तो कैसा होता है कि वायरस के अंदर आपका क्या होता है, डीएनए होता है या आरएनए होता है। उसके चारों ओर जो है वो आपका प्रोटीन का एक खोल होता है जिसको हम लोग कैप्सोमर कहते हैं। ठीक है, और जो ये वायरस होता है उसके अंदर डीएनए या आरएनए एक बार में एक ही होगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ठीक, पहला क्वेश्चन तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कि जो ये डीएनए वायरस के अंदर होता है वो डबल स्टैंड होता है या सिंगल स्टैंड होता है। तो फिर से, या तो वो डबल स्टैंड डीएनए होगा या तो सिंगल स्टैंड डीएनए होगा। ठीक है, तो एमसीक्यू में यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा अगर हम लिखें यहां नेक्स्ट सेकंड, जो मैंने हाईलाइट कर रखी न्यूज, इंडिया सस्पेंडेड ई वीजाज फॉर ट्रैवलर फ्रॉम चाइना, क्योंकि हमें खतरा यह है कि वहां से अगर बहुत तादाद में ये लोग आए हमारे यहां तो हो सकता है कि ये वायरस कहीं इन्फेक्ट ना कर दे हमें। खैर, आगे ये जो आपके हम लोग स्टूडेंट्स वहां से लेके आए हैं, क्योंकि चाइना में काफी इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो क्या कर रहे थे, स्टडी करते हैं, तो ये जो सारे के सारे स्टूडेंट वहां से आए हैं इनको हमने एक मेडिकल कॉलेज के अंदर रखा हुआ है, मतलब मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे, यहां आके इनको आईटीबीपी के कैंपस के अंदर रखा गया है मानेसर में, और 14 डेज का इनको एक सेपरेशन रखा जाएगा। क्योंकि जो भी ये वायरस होते हैं, कोरोना वायरस या किसी भी तरीके के वायरस, इनका एक 14 डेज का साइकिल होता है। किसी को इन्फेक्ट करने के 14 डेज के अंदर अंदर ये अपना जो इनिशियल सिम्टम्स हैं वो दिखा देते हैं। ठीक है, तो 14 डेज के बाद अगर किसी भी स्टूडेंट से भी कोई सिम्टम नहीं आया तो इनको हम लोग क्या कर देंगे, घर भेज देंगे, और अगर आया तो फिर देखेंगे क्या करते हैं। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं हम लोग। अगला ये रहा न्यूज हमारा, मनी अर्न इन इंडिया बाय एनआरआईज विल बी टैक्सटेड। ठीक है, तो ये एक नई पहल है कि जो भी एनआरआई यहां पैसा लगाते हैं आपके भारत में, उनको पहले हमने छूट दे रखी थी, लेकिन अब जो अर्निंग होगी उस पे टैक्स उनको देना पड़ेगा। ठीक, अब यहां अगर देखें इस न्यूज को जो मैंने हाईलाइट किया है, दैट प्रोवाइड्स इंट्रोड्यूस्ड इन द बजट वुड ब्रिंग इंडिया इंडियन वर्कर्स इनकम इन जीरो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन लाइक द यूएई इन टू द इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो अगली न्यूज लेते हैं हम लोग। अब यहां से एक थोड़ा सा मैंने एक इंट्रो है बजट का, कि बजट कैसे पेश किया जाता है। देखो ये बजट जो है वो असल में नाम कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं बजट दे ही नहीं रखा है। ठीक है, सबको याद रहेगा इसका एक्चुअल नाम जो है वो क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि किस आर्टिकल में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में, आर्टिकल 112। तो देखो यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो बजट है उसका एक्चुअल नेम क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप टिक करके आओगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अगर क्वेश्चन आएगा कि वो किस आर्टिकल में आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल में आएगा, तो आप टिक करके आओगे 112। और बजट जो है वो हमेशा प्रेजेंट कौन करता है पार्लियामेंट के अंदर, देखो प्रेसिडेंट करता है, बाय द प्रेसिडेंट, बट प्रेसिडेंट की तरफ से कौन करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। और दूसरा, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्वेश्चन क्या पुटअप कर देंगे कि बजट ओनली प्रेजेंटेड इन द लोकसभा, गलत, पार्लियामेंट का मींस हो गया बजट लोकसभा में भी प्रेजेंट होगा और साथ में राज्यसभा में। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपके बजट में होता क्या है, अर्निंग एंड स्पेंडिंग के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है प्रीवियस ईयर की एंड कमिंग ईयर की। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें 3 साल का पिछला रिकॉर्ड भी होता है, कंटेन 3 ईयर्स ऑफ रिकॉर्ड। और फिर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बजट हैव 7 डॉक्यूमेंट्स, 7 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो क्या क्या होते हैं, देखो पहला डॉक्यूमेंट होता है स्पीच ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, जिसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो कंफ्यूज मत होना, पार्ट ए मतलब एक्सपेंडिचर और पार्ट बी मतलब रेवेन्यू। देन आपका सेकेंड जो डॉक्यूमेंट होता है दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, बजट। ठीक, फिर आपका समरी ऑफ द बजट होता है, फिर 4th डॉक्यूमेंट फाइनेंस बिल होता है, फिर 5th होता है लिस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर, सरकार क्या क्या खर्चा करने वाली है, जैसे सरकारी स्कीमों के ऊपर, सब्सिडी के ऊपर, सैलरी के ऊपर, वो सब चीजें किसमें होती है, लिस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर। और 6th डॉक्यूमेंट होता है लिस्ट ऑफ द रिसीविंग, सरकार को पैसा कहां कहां से मिल रहा है। और 7th डॉक्यूमेंट क्या होता है, डिमांड ऑफ ग्रांट्स। तो स्टूडेंट अगर हम देखें एग्जाम में अगर आ सकता है बजट क्वेश्चन, कैसे पूछेगा आपसे यूपीएससी का एग्जामिनर कि इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट बजट में प्रेजेंट नहीं होता है, तो देखो आपको ये 7 डॉक्यूमेंट्स का रेटिफिकेशन करना पड़ेगा। गॉट इट, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, स्टडी ऑन बैट हंटर्स ऑफ नागालैंड अंडर स्कैनर। असल में क्या होता है कि यूएस, चाइना और इंडिया के साइंटिस्ट या रिसर्चर्स ने नागालैंड में मिलने वाले बैट के ऊपर स्टडी की थी। ठीक है, तो वो थोड़ा सा लाइमलाइट में आ गया है। अब जो ये स्टडी है वो हमारे क्यों काम की थी,
क्योंकि what they discovered कि जो नागालैंड या नॉर्थ ईस्ट के जो बैट है दे ऑफन कैरी इबोला रेबीज मारबर्ग एंड सार्स कोरोनावायरस. ठीक. अच्छा यहाँ एक जरा क्वेश्चन का मैं आपसे पूछूं, प्लीज इसको असाइनमेंट को घर पे कर लेना, क्या रेबीज किस किस के काटने से फैलता है? क्योंकि यहीं से एक हमको मिल गया कि बैट से तो होता है, प्लस आपने बहुत सुना होगा किससे, डॉग से. आपको बाकी के एनिमल्स का पता करना है कि रेबीज किस किस के काटने से फैलता है. अच्छा अब दोबारा आते हैं स्टडी पर. यहां पर इन्होंने क्या पता किया कि ये जो स्टडी सजेस्ट दैट बैट इन साउथ एशिया एक्ट एज अ रिजर्वर होस्ट ऑफ अ डाइवर्स रेंज ऑफ फाइलोवायरसेस, यानी कि आने वाले टाइम पे जितने भी आपके साउथ एशिया का मतलब क्या हो गया, चाहे वो इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, है ना, या आपका चाइना हो गया, यहाँ पर जो बैट्स हैं उनके शरीर के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ वायरसेस कैरी होते हैं. वो अच्छा है कि कभी उनका जो कॉन्टैक्ट होता है वो ह्यूमन बींग से होता नहीं है, और जब भी होता है तो ये कोरोना वायरस जैसी बीमारी फैलती है. अब अच्छी बात ये है इंडिया में कि हम लोग जो है लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो नॉनवेज है, जैसे चिकन का मीट हो गया, गोट का मीट हो गया, बीफ मीट हो गया, लगभग हम यही खाते हैं. लेकिन चाइना में अप्रॉक्स 120 टाइप्स ऑफ मीट खाए जाते हैं. दे विल ईट स्नेक, दे विल ईट बैट, जो मतलब आप जानवर सो सकते हो सब खाते हैं. तो जहां आप नेचर से छेड़छाड़ करोगे तो वहां पर इस तरीके की बीमारी फैलेगी ही फैलेगी. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. यहीं से एक टर्म जो मुझे लगा एग्जाम में आ सकता है वो क्या है, एंटीबॉडी. तो एंटीबॉडी क्या होता है, सिंपल टिक करके आना, वाई शेप प्रोटीन होते हैं एंटीबॉडीज, जो कि मेनली बाय प्रोड्यूस कौन करता है, प्लाज्मा सेल करते हैं, भूलना नहीं, प्लाज्मा सेल अगेंस्ट दी बैक्टीरिया एंड वायरसेस. जब भी आपका जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी इन्फेक्टेड होती है किससे, बैक्टीरिया वायरसेस से, तो आपका जो ये प्लाज्मा सेल है ये अपने आप क्या बना देता है, आपका ये एंटीबॉडी, जिसको और क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन, IG बोलते हैं, और वो उन वायरस या बैक्टीरिया को सर्च कर करके आपकी बॉडी में मार देता है. ठीक है, एग्जाम में अगर आएगा तो आप ये टिक करके आओगे. गॉट इट. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. अगला भाई आपका क्या, 36 नेशनल गेम्स जो हैं वो आपके कहाँ, गोवा में शुरू होने जा रहे हैं, और उसका जो मैस्कॉट है वो ये, जो मैस्कॉट आप देख रहे होगे, आप ये मैस्कॉट रिवील किया गया, इस मैस्कॉट का नाम क्या है, रूबी गुला. ये है क्या असल में, रूबी गुला फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल. ठीक है, और 37 जो नेशनल गेम्स हैं वो हमारे उत्तराखंड में होने जा रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट न्यूज ले लेते हैं. 2130 केरला आइलैंड्स नाउ अंडर CRZ कवर. ठीक है, तो देखो यहां से CRZ, जिसका फुल फॉर्म क्या हो गया, कोस्टल रेगुलेशन जोन, इसके बारे में आपको सर्च करना है. मेरी पिछली वीडियो में कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में डिटेल में बता चुका हूं. ठीक है, कभी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9897581299, उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हो. अगर पॉसिबल होगा तो मैं उसका आपका आंसर दूंगा जल्दी से जल्दी, और या उससे रिलेटेड कोई वीडियो होगा तो मैं बनाऊंगा. ठीक है, तो प्लीज मेरे इस YouTube चैनल पौरुष जैन को ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे मैं लगातार आपके साथ जो UPSC के करंट अफेयर्स हैं उसको लेकर आपके साथ वीडियो शेयर कर सकूं. ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में.